ये तस्वीरें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित श्री गीता ज्ञानम संस्थानम की है, जो रात के समय में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के स्वागत का। गीता मिनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज के पावन सानिध्य में कार्य कर रही जियो गीता परिवार एवं श्री कृष्ण कृपा गौशाला कुरुक्षेत्र की ओर गीता ज्ञान संस्थान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन 5, 6 व 7 सितंबर को किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय उत्साह में मंगलवार 5 सितंबर को पहले व बुधवार 6 सितंबर को दूसरे दिन साय 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वीरवार 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर साय 7 बजे से देर रात्रि 12 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जानकारी देते हुए जियो गीता कुरुक्षेत्र के पदाधिकारियों ने बताया कि गीता ज्ञान संस्थान में प्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आयोजन विशाल मेले के रूप में किया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं व प्रतिदिन सभी के लिए भंडारे प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 7 सितंबर को श्री कृष्ण की विशेष झांकियों के दर्शन होंगे व श्री कृष्ण कृपा बिहारी जी के विशेष श्रृंगार के दर्शन होंगे। कृष्ण कृपा परिवार के सभी सदस्यों ने सभी से आह्वान किया है कि वे भी गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले और संतों के सानिध्य में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता ज्ञान संस्थान में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं? गीता ज्ञान संस्थान जो एक विराट रूप यहाँ कुरुक्षेत्र में ले रहा है, महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो हमारे लाडले दुलारे कन्हैया का जन्म दिवस होता है, वो यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मेरा निमंत्रण है सभी शहरवासियों का, शहरवासियों से और जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, कि वो हमारे लाडले दुलारे कन्हैया का जन्मदिन मनाने के लिए 5, 6 और 7 सितंबर को यहाँ गीता ज्ञान संस्थानम केडी बी रोड कुरुक्षेत्र पर पहुंचकर लाडले दुलारे के जन्मदिन का आनंद लें और भजन संध्या, जिसमें आप प्रतिदिन भजन संध्या रहेगी और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन भी हमें प्राप्त होगा, तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप यहाँ हमारे कन्हैया का जन्मदिन के लिए अवश्य पधारें। और विशेष रूप से यहाँ जो बच्चों के लिए झूले लगाए हैं वो तो है ही है, और विशेष आकर्षण के यहाँ 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन झांकियों का विशेष रूप से प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी झूला दर्शन जिनके होंगे और झूला झुलाने के लिए आप यहाँ सभी सादर आमंत्रित। जी सर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता ज्ञान संस्थान में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? जी जय श्री कृष्ण, जैसे 5, 6 और 7 का कार्यक्रम है। 5 तारीख से हमारे कार्यक्रम है, शाम को 7 से 9 बजे तक हमारा भजन रश रहेगा, भजन संध्या है। ऐसे ही 6 तारीख को भजन संध्या है और 7 तारीख को हमारे 7 से 12 बजे तक भजन संध्या रहेगी, जिसमें महाराज श्री 6 तारीख को भी रहेंगे, 7 तारीख को भी रहेंगे। और इसमें हमारा एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय आज है कि आज 4 सितंबर है, पिछले साल 4 सितंबर को हमारे ठाकुर जी विराजमान हुए थे, जो कि हमारे लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और हमें ठाकुर जी का निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा इसमें यहाँ पे झूलों का एक विशेष आकर्षण है, सभी झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं, जब भी आके पूरा दिन झूले का कार्यक्रम, झूले चलते रहेंगे, जब भी आप लेना चाहे बच्चों को लेकर आए, अपने परिवार को लेकर आए,
और यहाँ पे आपको स्टॉल्स भी मिलेंगे, गोलगप्पा, टिक्की, चाट, ये सब आपको उपलब्ध रहेगा शाम को 2 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। आप उनका भी आनंद साथ साथ ले सकते हैं। गीता ज्ञान संस्थानम में जन्माष्टमी पर क्या खास है? जय श्री कृष्ण जी। गीता ज्ञान संस्थानम में जन्माष्टमी के उपलक्ष पे 5, 6, 7 तीन दिन का विशेष प्रोग्राम है। 5-6 तारीख को शाम 7 से रात 9 बजे तक भजन संध्या है, साथ में भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी है। 7 तारीख को जन्माष्टमी के दिन रात 7 से लेकर 12 बजे तक भजन संध्या है, साथ में भोजन प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्त जनों के लिए है। मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करता हूं कि सभी आए, भोजन प्रसाद लें और साथ में सत्संग गीत जन्माष्टमी के उपलक्ष में श्री कृष्ण कृपा बनी रहे सभी पे, उसका लाभ भी लें।